The topic we are going to discuss today is Making Ethical Decisions and Taking Actions. This is very much evident that during the course of therapy and practice, when colleagues, supervisees or students engage themselves in a questionable act that could cause harm and lower the public trust, mental health professionals has a proactive role to play. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ डिस्ट्रेस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ़ द डिफरेंट एक्शन विच आर बिंग टेकन बाई आदर द स्टूडेंट्स और बाय एनी स्कॉलर और बाय एनी सुपरवाइजी और कॉलिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिकल ड्यूटी है कि जब ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किसी कॉलिग से किसी स्टूडेंट से कोई अन ऐथिकल एक्ट हुआ है जिसकी वजह से किसी को हार्म पहुंच सकता है तो वन हैज़ टू आइडेंटिफाई दैट हार्म एंड वन हैज़ टू टेक अ प्रो एक्टिव रोल एंड टॉक अबाउट दैट उसकी वजह यह है कि अगर हम किसी अनएकल प्रैक्टिस को हाईलाइट नहीं करेंगे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो डेट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द रैकेट और वो एक प्रैक्टिस के तौर पर uh, हमें बार बार देखने को मिलेगा विच इज़ इनकरेक्ट एंड विच इज़ मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता एंड एवर समबाउ एनी सच अनस्ट इन टर्म पब्लिकेशन इन टर्म ऑफ थेरेपी डेट समल डन तो उसमें बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है थेरेपिस्ट वर्किंग इन ईस्टर्न सिविलाइजेशन दे रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज ये बहुत ही एक पर्टिकुलरली समझने की इंपॉर्टेंट बात है कि हर कल्चर के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं उसके कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं उसके कुछ वीकनेसेस होती हैं और जब उस स्पेसिफिक कल्चर से कोई भी इंडिविजुअल अपनी थेरेप्यूटिक जो है वो असेसमेंट के लिए आता है या वो अपनी थेरेपी के लिए कोई वो गाइडेंस या काउंसलिंग लेने के लिए आता है तो वहाँ पर जो थेरेपिस्ट है अगर उसे उस इंडिविजुअल के एथनिक बैकग्राउंड का उसकी कल्चरल प्रॉब्लम्स का उसकी प्रैक्टिसेस का उसकी नॉर्म्स का अंदाजा नहीं होगा तो प्रॉबेबली ही वुड बी मिस्टेकन इन अंडरस्टैंडिंग दैम और उसको वो कोई प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बता सकेगा नैप एंड वेंट क्रीक इन टू थाउजेंड एंड सेवन प्रोपोज अ सॉफ्ट यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच ना वट इज़ द यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट कल्चर्स वी टॉक अबाउट डिफरेंट सोसाइटीज वी टॉक अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स देर मस्ट भी सम कॉमनलिटी बिटवीन ऑल ऑफ दैम ऑफकोर्स वी कैन सी द डिफ्रेंस क्योंकि अगर डिफरेंसेज नहीं होंगे तो वो कल्चर वो सोसाइटीज़ वो रिलीजन जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते बट देर मस्ट भी समथिंग विच इज़ कॉमनली एम्बेडेड इन ऑल ऑफ दैम सो जब हम क्लोजली देखते हैं तो वी कैन गेट टू सी के कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जो हमें यह सिखाता हो कि हमें दूसरों के साथ जो है वो बुरा सलूक करना चाहिए कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो हमें यह सिखाता चाहिए सिखाता हो कि हमें दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए हमें छोटों के साथ जो है वो प्यार नहीं करना चाहिए या शफकत नहीं करनी चाहिए या बड़ों को हमें रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए आई अंडरस्टैंड दैट दे मे बी डिफरेंट इन कॉनोटेशन इन द प्रैक्टिस इन द वे वी बिहेव बट ऑफ कोर्स जो बेसिक हमारी एथिक्स हैं और हमारी वैल्यूज़ हैं वो सब रिलीजन्स की और सब कल्चर्स की मोर और लेस सेम होती हैं विदाउट द इंडिविजुअल वेरिएशन अगर हम उनके कोर और ट्रक्स पे बात करें तो वो सब जो हैं वो हमें कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं सो द सॉफ्ट यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच इज दैट दैट वी हैव टू सी द मॉरल एंड एथिकल वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर बींग प्रैक्टिस इन दैट स्पेसिफिक कल्चर रिलीजन और सोसाइटी एंड वी हैव टू इग्नोर द अदर स्पेसिफिक पार्ट विच कैन बी सीन इन टर्म ऑफ द प्रैक्टिस यानी ये देखना ज़रूरी नहीं है कि वो उस रिलीजन को उस कल्चर को प्रैक्टिस कैसे कर करें हैं लेकिन उसकी एसेंस में अगर गुडनेस है अगर उसके एसेंस के अंदर राइटियस बिहेवियर है तो हमें उसको फोकस करना चाहिए सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द कल्चर शेयर द बेसिक वैल्यूज बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट एक्सप्रेसड इन द सेम वे थेरेपिस्ट नीड टू असेस दिस वाइडर परस्पेक्टिव बाय फोकसिंग ऑन प्रिंसिपल एथिक्स अब बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर जो इम्पोर्टेंट है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि क्या हमने लोगों को रिस्पेक्ट देनी है क्या हमने लोगों को कंपैशन देना है राधर देन कि उसका डोमेन क्या होगा वो किस तरह से दी जाएगी देन थेरेपिस्ट शुड नॉट ट्राई टू बिकम मोर प्रोफिशिएंट कल्चरली बट आल्सो ट्राई टू मेक एफर्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ देयर ओन बिलीव एंड प्रैक्टिस वेन डीलिंग विद कल्चरली डाइवर्स क्लाइंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि किसी और इंडिविजुअल के कल्चर को 100 परसेंट अडाप्ट किया जाए और उसके बाद थेरेपिस्ट उसको अंडरस्टैंड करके उसको थेरेपी दे बल्कि आपकी जो अपने कल्चरल बिलीव्स और अपने जो कल्चरल थॉट्स और नॉर्म्स हैं उसमें जो एथिकली एम्बेड गुडनेस है उसको यूज़ करते हुए कल्चरली डाइवर्स जो क्लाइंट्स हैं उनको डील करना चाहिए ताकि आप उनकी पर्सनैलिटी में से उनके प्रॉब्लम्स में से उनकी लाइफ स्टाइल स्टोरी में से सिर्फ वो कॉम्पोनेंट जो है उसको पिक कर सके जिसको आप एथिकली डील कर सकते हैं बाकी चीज़ें जो हैं वो शायद हमारे लिए वन टू वन बेसिस के ऊपर डील करना भी अनएथिकल होगा फॉर एग्जाम्पल अ बिग चैलेंज फॉर लोकल थेरेपिस्ट इन वर्किंग विद द इमिग्रेंट्स फ्राम अफगानिस्तान डू नॉट नो देयर लैंग्वेज वेल टू कम्युनिकेट और हैव सर्टन स्टीरियो टाइप्स एंड प्रोज अगेंस्ट दैम अब अगर हम बात करें कि हम इवन पाकिस्तान में Uh, जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई अफ़गान इमिग्रेंट्स आए हुए हैं और दे हैव हाँ द लैंग्वेज प्रॉब्लम उनको अफगानी आती है और थेरेपिस्ट जो है उसको सिर्फ उर्दू या पंजाबी ये लैंग्वेज आती हैं तो उसके लिए कम्यूनिकेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा सो दिस कुड बी वन ऑफ द वेरी वेरी पर्टिनेंट बैरियर विच कल्चरली डाइवर्स इंडिविजुअल्स कैन फेस और इसके साथ साथ अगर उसके लिए कोई ट्रांसलेटर अरेंज कर लेते हैं उसके लिए कोई और मैकेनिज्म यूज़ कर लेते हैं Then there could be the chance that the person has specific prejudice about them, or they could have a, a specific kind of stereotypes about them. That Afghan, a stereotype mind and deal So this could be a very unethical practice. Knowing, understanding, and creating sensitivity to world's view different from world's own is a critical step towards making sound decisions about. थेरेपी डायरेक्शंस हमने थेरेपी की डायरेक्शंस को देते वक्त अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को सामने नहीं रखना बल्कि हमने दुनिया में जो एक हमें यूनिवर्सल जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है जो कि एथिक्स को सपोर्ट करता है जो कि गुडनेस को सपोर्ट करता है जो कि वेल बींग को सपोर्ट करता है हमने उसको अपने जहन में रखते हुए अपनी थेरेपी की डायरेक्शंस और गोल्स सेटल करने हैं वी कैन बी जजमेंटल वी कैन नाट भी वी कैनॉट बी बाइस्ड अबाउट एनी काइंड ऑफ क्लाइंट हु कम्स टू अर्स इन अ थेरापूटिक सेकेंड राधर हमने उसको एक डाइवर्स जो है वो पॉपोलेशन के तौर पर लेकर एथिकली एम्बेडेड प्रिंसिपल्स के थ्रू उसको हमने काउंसलिंग और ट्रीटमेंट जो है वो देना है